OIC की सपोर्ट हम क्यों हासिल नहीं कर पाए, ये वहाँ रियलाइजेशन आज तक क्यों नहीं हो सकी है कि तंजीम किस लिए बनी है? मुसलमानों के मसाइल, चाहे फ़लस्तीन के मुसलमानों के मसाइल हों या मकबूज़ा कश्मीर के मुसलमानों के मसाइल हों या भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उनके मसाइल हों, OIC का मकसद क्या था, क्या रह गया है, क्यों इस तंजीम की सपोर्ट हम मुसलमानों पर जो मुजालिम हो रहे हैं उसके लिए इसकी सपोर्ट नहीं हासिल कर पाए? तीन जवाबात हैं। पहली बात, 72 साल पुराना एक मसला है, ये ओवरनाइट तो हल होना नहीं है। हम इंडिया चाहता क्या है? इंडिया चाहता है कि हमें इमोशनली इंटाइस करे और फिर दुनिया को कहे देखा जी ये देखे जारियत शोर ये वो। हमें सब्र से काम लेना है, हमारा हदफ वाजे है, हमारी नीयत साफ है, बैनुल अक्वामी कानून हमारे साथ है और अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है। इंशाल्लाह हम इस हदफ को अचीव करेंगे, करेंगे मंतक से और सब्र से। और कश्मीरी पाकिस्तान में है, कश्मीरी दुनिया में है या मकबूजा कश्मीर में है, उनको ये बात मालूम है कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के लिए खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। इसको डेली बेसिस पे ना देखें कि आज ये हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, दुनिया में बिल्कुल वो सपोर्ट नहीं है जिसकी हमें उम्मीद और तवक्को है। मोरालिटी से ज़्यादा मफादात पे दुनिया चलती है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो वस्ती दुनिया जो मुझे याद है, जब मैं वॉशिंगटन में बैठता था तो कहते थे कश्मीर का मामला बस भूल जाओ, आज वो भी कह रही है कि हिंदुस्तान एक खतरा बना हुआ है। आखिरी बात OIC, देखिए हमारे तमाम बरादर मालिक हैं, मुस्लिम मुमालिक हैं, हमें इकट्ठा होकर चलना है। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि वहां से वो सपोर्ट शायद हमें नजर नहीं आई, लेकिन वो अभी भी हमारे साथ बुनियादी तौर पे खड़े हैं। आर्जी मफादात कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन तमाम दुनिया को मालूम है कि हु इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस डिबेट। तारीख याद करती है कि एंड में जब मामला खत्म हुआ तो सही तरफ कौन खड़ा था। आप अमरीका में रहे, अमरीका की सियासत पर गहरी नजर होती है आपकी, आपके तज्जिए होते हैं वहां की सियासत पर। इस वक्त मोदी भारत में जिस तरीके से हिंदुत्व का जो नज़रिया उसको परवान चढ़ा रहा है, जिस तरह मोदी के भारत में मुसलमान को इंसान नहीं समझा जाता, इसी तरह ट्रंप के अमेरिका में सियाह फाम को इंसान नहीं समझा जाता। ये जो एक तहरीक चली है, एक सियाह फाम को जिस तरीके से वहाँ पर कत्ल किया गया, फिर आप देखें वहाँ की 40 रियासतों में इस वक्त जो है ना वो मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ गहराव हो रहा है, क्या इस सारे सिचुएशन का अमरीकी सदारती इंतखाबात जो है जो 4-5 महीनों में होने वाले हैं, आप समझते हैं कि ट्रंप की सियासत को इससे ख़तरा हो सकता है आने वाले सदारती इंतखाबात में? पूरी दुनिया की नज़र होती है इन इंतखाबात पर। ये जो आप कह रही हैं, मैं तज्जिया करता हूँ नहीं करता अच्छा? था शायद अब मैं उस तज्जिये के मोड में तो जाहिरी बात है नहीं जा सकता। मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो हम देख रहे हैं। अमेरिका का एक रेशियल मसला रहा है तारीख में, वो हम सबको मालूम है। मैं जाहिरी बात है कि अमरीकी सियासत अब उस तरह फॉलो नहीं करता, ना ही वो मेरा काम है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जहाँ भी अकलियतियों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है, आपने अमेरिका की बात की, वहाँ एक सियाह फाम जो एक तहरीक इस वक्त चल रही है। अमन दुनिया में हर जगह लाजमी है। UN के सेक्रेटरी जनरल माफ़ कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा कि सीज फायर हो जाए, दुनिया में अमन हो जाए, कम अज कम जब तक ये कोरोना चल रहा है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल पे अमन हो, 2003 की सीज फायर को इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा मुल्क क्या कह रहा है कि रोज हम निहत्ते पाकिस्तानी बच्चे और ख्वातीन शहीद करेंगे, रोज हम एक झूठ बोलेंगे, कभी कबूतर दहशतगर्द तो कभी लोकस्ट आ गया तो वो भी पाकिस्तान ने अपना मजाक बनवाएंगे। हमने दुनिया को कहा है, UN को कहा है, वेस्टर्न मिशंस को कहा है, आजाद कश्मीर चलें, खुद जाके देख लें और हमें बता दें क्या चीज उनको वहां पे नजर आती है जिसमें कोई मसला है। दूसरा मुल्क क्या कहता है? मैं डॉक्टरों को भी नहीं आने दूंगा, लोग मर रहे हैं अस्पतालों के बगैर, मैं इंटरनेट नहीं चलने दूंगा, यानी ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम जैसे हम यहां कर रहे हैं नहीं होने दूंगा, मैं जर्नलिस्ट नहीं जाने दूंगा। तो अगर कुछ छुपाने को नहीं है, अगर वहां पर कत्लो गारत नहीं कर रहे, अगर हिटलर नहीं बने हुए, तो जाने दें लोगों को, देखने दें सारी दुनिया को।